कश्मीर पर कहानियां तो बहुत बनी मगर कश्मीरी हिंदुओं का सच नहीं बयां किया गया। हाल में ही द कश्मीर फाइल्स नाम की बनी फिल्म में इसी सच्चाई पर फोकस किया गया और रिलीज होते ही पूरे देश में द कश्मीर फाइल्स छा गई। मुंबई के घाटकोपर स्थित आर सिटी मॉल में 4 स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई जहाँ पूरा सिनेमा हॉल लोगों से भरा रहा। इस दौरान आर सिटी मॉल पहुंचे अभिनेता पुनीत ईसर, समाज सेवक राम कुमार पाल, सांसद मनोज कोटक, विधायक पराग शाह उपस्थित रहे। मोबाइल की लाइट दिखाकर दर्शकों ने कश्मीर नरसंहार पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। यही नहीं, ऐसा दोबारा ना हो इसलिए राष्ट्रवाद पर एक होना चाहिए, इसलिए भी फिल्म देखनी चाहिए, ऐसा लोगों का कहना था। साथ ही मौजूद अभिनेता पुनीत ईसर ने भी यह बात कही और इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था, देखिए यह खास रिपोर्ट। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इसको लेकर जिस तरह से पूरे देश भर में जो विवाद चल रहा है, विवाद नहीं कहना चाहेंगे लेकिन जिस तरह से इस मुद्दे को लिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? और इस फिल्म में आप भी नजर आ रहे हैं, मेरे हिसाब से विवाद नाम का तो कोई शब्द होना ही नहीं चाहिए। ये तो यथार्थ है, ये तो एक कड़वा सच है हमारे देश का। और आप जानते हैं ये 32 साल पहले ये हुआ था। कम से कम एक डायरेक्टर ने हिम्मत की इस कड़वे सच को सामने लाने की, तो बहुत ही मैं विवेक अग्निहोत्री को बहुत ही बधाई देता हूँ, उनको बहुत ही उनको उनकी पीठ थपथपाता हूँ कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया और इस फिल्म को लोगों के समक्ष लेकर आए। ये बहुत ही बोल्ड स्टेप है, ये कड़वा सच है जो लोगों तक आना चाहिए। और मैं तो लोगों से कहूँगा कि भाई आप एक बार ज़रूर देखिए इस फिल्म को, ताकि आपको पता चले कि हमारे इतिहास में 32 वर्ष पहले क्या हुआ था। फिर इस फिल्म को दूसरी मरतबा देखिए, तीसरी मरतबा भी देखिए, ताकि आप जो है आगे भविष्य में हमारे साथ इस तरह का नरसंहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सब जब थिएटर में से लोग जब बाहर निकल रहे हैं तो सबके आंखों में आंसू भी हैं। कई ऐसे लोग थे जहाँ जिनके ऊपर ये बीती हुई है, वो सारे लोग भी मूवी देखने आए थे, सभी अपने उस दिन को याद करके रो रहे हैं। सर क्या कहेंगे कि हमारे देश में उनको लेकर आज भी कोई कदम कड़े कदम उठाए नहीं जा रहे हैं? देखिए बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही दारुण कथा है और ये सत्य है। आप सोचिए जिनके नियर एंड डियर वंस के साथ अगर ये हादसा या जो हुआ होगा उन पर क्या बीती होगी। आप देखिए हमारे देश का ऐसा दुर्भाग्य है कि हम जो हिंदुस्तानी हैं वो एक दूसरे के दर्द से हम लोग बिल्कुल एक न्यूट्रल रहते हैं। कि अगर आपके दो घर छोड़ के आपके पड़ोस में आग लगी हो तो हमारा हिंदुस्तानियों का एक आदत है, अरे यार अच्छा वहाँ पे आग लगी, अपने को क्या, हमारा घर थोड़ी ना जल रहा है। ये हमारी मानसिकता है, लेकिन वो ये नहीं रियलाइज करते कि वही आग बहुत जल्द आपको भी एंगल्फ कर लेगी। तो हमें एकत्र होके, हिंदुस्तानी होके हमें ये शपथ लेनी चाहिए और हमें उसके प्रति काम करना चाहिए कि हमारे देश में रह के किसी का भी एक्सोडस ना हो, ये जेनोसाइड ना हो और हिंदुओं को मार के वहाँ से उनकी जगहों से ना निकाला जाए। कश्मीरी पंडितों को जो हिंदू वहाँ के थे उन्हें उनका हक मिलना चाहिए और उन्हें पुनर्वास, उनका रिहैबिलिटेशन ज़रूर होना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो अवश्य करेगी। मूवी एक नरसंहार के ऊपर बनी है और पिछली सरकार ने 32 साल में कुछ नहीं किया, किसी पर केस भी नहीं हुआ और कोई आरोपी भी नहीं बना। ये देश का दुर्भाग्य है। यासीन मलिक जैसा आदमी कहता था कि 200 के बाद में गिनना भूल गया, स्वयं को अपना ISI का एजेंट कहता था, सरकार ने कुछ नहीं किया। आज ये सरकार है, सत्य लाने का प्रयास कर रही है। वर्षों से किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। कश्मीर फाइल, उसके डायरेक्टर विवेक जी, पुनीत जी, इन सभी ने ये हिम्मत की है और आपने देखा होगा कि किस तरह से लोगों का वो रिस्पांस पा रही है। लोग जिस तरह से आ रहे हैं, न केवल आ रहे हैं भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, आप थिएटर के अंदर भी अपना शूटिंग कीजिए, आपको दिखेगा कि हर दृश्य को लोग मानो उस एक सत्य घटना को देख रहे हैं जो वर्षों तक दबाया गया था और आज लोगों के सामने लाया गया। सर कश्मीरी पंडित आज भी अपने घर लौटना चाहते हैं, कई लोग हैं जो जब थिएटर से बाहर निकल रहे हैं तो उनको यही उम्मीद है कि अब जो पिक्चर में सच्चाई दिखाई गई है उसके बाद कहीं ना कहीं उन्हें न्याय मिलेगा। निश्चित ये न्याय की बात शुरू हुई है और
पूरे हिंदुस्तान में जो माहौल बना है, जो व्यवस्थाएं बनी है, ये व्यवस्थाएं इस तरह से आगे जाएगी कि इन व्यवस्थाओं के कारण उनको अपना हक मिलेगा। पहले तो मैं बताऊंगा कि ये मूवी नहीं है, ये एक हकीकत है। और ये हकीकत तो विवेक अग्निहोत्री जी और सभी स्टार्स ने जो हिसाब से पिक्चर में निभाया, एक सत्य हकीकत जिसको मैं इतिहास नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ये वर्तमान का है, 30 साल पहले की बात है, जो लोगों को छुपाई गई थी, इसको फिल्म के पर्दे पे लेके आना तो बहुत बड़ी बात है। लोगों को सच्चाई जब मालूम होनी चाहिए, और ये पिक्चर के माध्यम से मैं मानता हूँ कि जो घटना हो चुकी आज से 30 साल पहले, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट होएगा, ये टाइप का वापस इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। इसके लिए ये फिल्म आनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि आज के बाद 25 साल के बाद यही घटना वापस नहीं दोहराई जावे। ये एक लोक जागृति का समय है, और उसमें हमारे तरफ से लोगों को बुला के, और बुलाना भी नहीं पड़ा, हमने एक शो रखा था, 2 घंटे के बाद मेरे को दूसरा शो रखना पड़ा, शाम को मेरे को तीसरा शो रखना पड़ा, और कल तलक 4th शो बुक किया गया, और अभी भी काफ़ी लोगों की डिमांड है, तो उनको और मैं खुशी लोग को एक अलग हकीकत पहुँचे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।